हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खत्म हो गया ना? हाँ, देखो आपके सच घटना सुनाना, कि नोएडा में एक व्यक्ति का कैंसर रोग हो गया, वो नौकरी करने लगा। ये नोएडा में 55 सेक्टर है, T5 में उनको कैंसर रोग हो गई। उसने जब पता चला मेरे कैंसर रोग है, तो उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ करके जो हरिनाम, सारा दिन उसने हरिनाम जप करना शुरू किया। ध्यान देकर सुनो, वो व्यक्ति ने फिर 20 साल तक जिंदा रहा। जब पूरी उम्र हुई तब उसने खत्म हो गई। मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए शास्त्र में बताया जितने बड़ा दवा है, सबसे बड़ा दवा हो तो ठाकुर जी की नाम है। देखो हमारे सामने एक माता जी बैठी हुई, देखिए जो माता जी बैठी हुई ना, तिलक लगा कर, हाँ इनको पूछो, इनकी जो सर में दर्द 24 घंटा, इधर ध्यान देख लो सुनो, 24 घंटा ये माता जी के सर में दर्द होता था, 24 घंटा। उसने सारा दुनिया की मेडिसिन ये माता ने खा ली, लेकिन किसी तरह से सही नहीं हुई। लेकिन इन्होंने जब हमारे गुरु जी के पास से हरिनाम ली, जब उसने भगवान के नाम जप की, माता जी को पूछो, अपने आप बगैर दवा के ये सर दर्द सही हुई। ये माता जो बैठी हुई, इनको पूछ लीजिएगा, सारे दवा फेल हो गया दुनिया की, लेकिन लास्ट में काम किया तो ठाकुर जी की नाम ही काम किया है। इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति है। वाल्मीकि जैसे दस्यु है, अगर मरा मरा कहते कहते रामायण लिख दे, फिर हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं कल आपको माला दूंगा, ठीक है? हरे कृष्णा। देखो कल है कथा की विश्राम है, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कथा की विश्राम है। कल रुक्मिणी की शादी होगी, भगवान रास करेंगे, कल श्री सुदामा जी के चरित्र है, ठीक है ना? और कल शादी है ना, इसलिए कल सबके सब चमक धमक साड़ी पहन कर, जैसे शादी में जाते हैं ना सबके सब लाल रंग के, ठीक है? कौन सा रंग के? लाल रंग। जैसे शादी में जाते हैं ना, बड़ी सुंदर चुनरी और हार करके, सारी गहना गठी पहन करके, कल जैसे शादी में जाते हैं ना, कल किसकी शादी है? श्याम की शादी है, बाकी बिहार की शादी है ना, बस एक बार उनको शादी में बरात बन करके जाओ ना, ठाकुर जी आपको गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी बना देंगे, हैं? अपना पटरानी भगवान बना देंगे आपको। इसलिए कल सबके साथ, हाँ इधर सुना, अगर कोई जैसे रुक्मिणी के विवाह में साड़ी देते हैं, अगर आप कोई अच्छी साड़ी लाओगे फिर हम वृंदावन में राधा रानी को पहनाएंगे, अगर बढ़िया साड़ी लाओगे तो, ठीक है? गुरुदेव फूलों की होली भी होगी। हाँ फूलों की होली है, हाँ फिर लास्ट में कथा में होली भी होगी, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कल जो कथा है कितने बजे कथा है? हाँ सवेरे 9 बजे कथा है, उसके बाद में फिर यज्ञ होगी। जो यज्ञ है ना, ये साधारण यज्ञ नहीं जो पंडित लोग करते हैं, वो यज्ञ है वैष्णव हो गए। इसी आप लोग देखिएगा, इसमें जो सुहा आप लोग दोगे, वो जो यज्ञ है, भागवत में जितने भक्तों का चरित्र आप लोग ने सुने हो, जितने संतों का चरित्र सुने हो, इनके नाम पर ये यज्ञ है, ये साधारण यज्ञ नहीं है। जैसे आप लोग किसका काल सर्प का योग होता है, कहीं उल्टा पुल्टा घर नक्षत्र योग होता है, देखना ये यज्ञ में आहुति दोगे ना, तुम्हारी सारी ग्रह नक्षत्र खत्म हो जाएगी। इसलिए हो सके अपना घर से थोड़ी सी कोई घी ले आना, नहीं
नहीं तो थोड़ी कोई साबुन सामग्री लेकर के आना जिसमें ये आहुति में डालने के लिए। अब आपका मर्जी है, अब ला सकते हो ये चीज को। सुदामा चरित्र में चावल, हाँ सुदामा चरित्र में माता जी कहते चावल ला सकते हो लेकर के आना, क्योंकि ठाकुर जी दो मुठी चिड़वा खाए तो उसको त्रिभुवन का राज्य दे दिया। ये आपके ऊपर निर्भर करता, मैं बोलूंगा नहीं, लाओ मत लाओ, ठीक है। प्लस गिरिराज महाराज जोर से जयकार लगाओ, जो जितने जोर से जयकार लगाएगा गिरिराज की। कल हम सुन रहे थे ना, गिरिराज कौन है? सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब जो श्री गिरिराज से मांगोगे गिरिराज आपको 100 दे देंगे। कल बता रहे थे ना गिरिराज में, देखना गिरिराज पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए गिरिराज में जाकर के जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रख दे तो ना ठाकुर उतना मंजिली मकान दे दे ठाकुर। आप देखना पेड़ में धागा बंधा हुआ देखो गिरिराज में, जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं हो, नौकरी चाकरी नहीं, दुखी, वहां पर गिरिराज से जो कुछ मांगो। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब कोई गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते हैं, हैं? पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते हैं। आप गिरिराज गोवर्धन में जाओ, देखोगे वहां पर 12 महीना वहां पर अन्नकूट चलता रहता है, 12 महीना। आप लोग गए कौन कौन गिरिराज में गए? आप जतिपुरा में जाकर के देखना कितने दूध वहां पर ढालते हैं, ऐसे नहीं डाल देते। ठाकुर जी जिनकी इच्छा पूरी करते हैं वो आकर के गिरिराज में ये अन्नकूट महोत्सव करते हैं, वहाँ 12 महीना वहाँ पर अन्नकूट चलता रहता है, ऐसे नहीं करते लोग हैं। अब अभी अधिक महीना आएगा ना, आप इतना प्यार सरसों भी, सरसों भी गिराओगे ना नीचे नहीं गिरेगा, 5 मील दूर पहले गाड़ी बंद कर देते हैं। आप केवल परिक्रमा में उतर जाओ आपको धक्का मारते मारते वहीं पर पहुंच जाते, मतलब इतने वहां पे लोग ऐसे पागल बनकर नहीं आते। ठाकुर जी की इच्छा पूरी करता है वो आकर गिरिराज में 12 महीना देखना वहां पर अन्नकूट पूजा होती है। ये पूजा किसने करवाया? कृष्ण स्वयं, साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं अपना हाथों से गिरिराज जी का विषय की परिक्रमा उन्हें लगाए। अभी हम गिरिराज जी कथा सुना, अब कुछ नई नई कथा सुनाऊंगा। कहते गिरिराज आए कहां से, इसकी इतने महिमा क्यों? ये गर्ग संहिता की कथा है। एक दिन गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, बल इतना एक सुंदर स्थान हो जहां पर एक साथ में 6 ऋतु बहता हुआ हो, हैं? जहां पर हर तरह का फल फूल लदे हुए हो, जिसमें सुंदर झरनाएं हो, जिसमें सुंदर सरोवर हो, हैं? उसी समय से राधा रानी कहते प्रकृत ही मनसा जात, ये राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किया। कहते भविष्य पुराण में बताया कि गिरिराज कहाँ से आई, बोले बांके बिहारी का अपना नेत्रों से ही, आंखों से ही गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुई। एक दिन कृष्ण श्री राधा जी से बोले, बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तुम चलोगे? बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना महारानी नहीं, नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। इतने में कृष्ण बोले देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मर्त्य जगत में उतरूंगा मैं अकेला नहीं उतरूंगा, मैं अकेला नहीं, ये संपूर्ण ही जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो ये इसको पूरा के पूरा मैं उतार लूंगा, और जो यमुना नदी ये भी जाएगी, जितने नंदगांव बरसाना गोवर्धन ये सबके सब इस मर्त्य जगत में जाएगी, मैं अकेला नहीं, मेरे पिता माता तेरे पिता पिता मेरे सखा तेरी सखी ये सबके सब चलेंगे। राधा रानी बोलती फिर मैं तो चलूं, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से जब इसी जगत में प्रकट हुए, बोले कहां पर? बोले कि सालमल द्वीप है, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से उतरे। इतने में सारे देवता लोगों ने श्री गिरिराज के लिए पुष्पों की बौछार की। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हम लोग गिरिराज गोवर्धन गए हो, बोले यहाँ पर ये गिरिराज कैसा है? इनकी 2 कथा पुराण में आती है। एक कथा आती है भगवान राम जब माता सीता को उद्धार करने के लिए पुल बांध रहे थे, हैं? इतने में समुद्र ने कहा आपके पास में 2 बंदर हैं, नल और एक नील, इनको ऋषियों की वरदान है, क्या कर रहे हो? कथा को बीच में पागल ले दे पटर ले, मैंने कहा बोला था जगह दे दो, अरे यहाँ पर रखेंगे Thank you.
बस गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे। अभी श्री कल जब पुल बांध रहे थे समुद्र ने कहा ये नल नील को वरदान है, कोई चीज को छू देंगे तो कभी डूबेगी नहीं तैरेगी। बोले बड़े से बड़े पहाड़ उठा करके लाओ जल्द से जल्द पुल बन जाए। हनुमान जी सोच रहे थे जल्द से जल्द पुल बन जानी चाहिए। भ्रमण करते करते जब साल वाली द्वीप पर गए देखा विशाल गिरिराज गोवर्धन है। सोचा इसको अगर ले जाए ना जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी। हनुमान जी एक हाथ में हैं बोले से गिरिराज महाराज की जय। उन्होंने एक हाथ में उठा तो हनुमान जी जा रहे थे। जाते जाते अभी पुल बनना समाप्ति हो गई। प्रभु राम ने कहा जो बंदर जहां से पत्थर ला रहे बोल दो पुल बंद गई, पत्थर लाने का जरूरत नहीं वहीं पर रख दे। जब हनुमान जी गिरिराज को रखे गिरिराज तो साधारण थे नहीं, रोने लग गए। बोले कहां मेरे को इतने दूर से लाए, अगर मैं जाता तो कम से कम प्रभु के चरणों की सेवा तो मिलता मुझे। चल करके प्रभु चलते माता सीता की उतार होती और मेरे वही रख दी, मैं तो ठाकुर की सेवा में लग नहीं पाया। जो बोले बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन गया है और तेरे को 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन उठाएंगे हैं, उसका नीचे ब्रजवा से आश्रय लेंगे, कृष्ण गैया चराएंगे, बहुत कुछ लीला होगा, कोई चिंता मत करो। ये एक कथा है। दूसरी कथा है पुलस्त नाम के ऋषि थे, भ्रमण करते करते कभी सालमल द्वीप में पहुंचे। ये गिरिराज की जो पिता माता द्रोण और धरा, तो उन्होंने इनको स्वागत की। बोले आपको क्या चाहिए? बोले एक चीज मुझे चाहिए। बोले क्या? बोले ये जो गिरिराज गोवर्धन ये हमें दे दो, क्योंकि मैं रहता हूँ काशी में, वहां पर कोई सुंदर मनोरम स्थान नहीं, वहां पर साधु लोग भजन करते हैं, इसमें की तरफ झरना फूल फल से लदे हुए, अगर इसका हम वहां ले जाएंगे संत लोग बैठ कर भजन करके भजन करेंगे। अगर आपको कोई आपका घर में आए बोले आपका बेटे दे दो, अब दे दोगे बेटे को? बोले ये ऋषि किया तो मांग रहे, बेटा बेटा कोई दे सकता है? सोचा अगर मैं मना कर दूं फिर तो बिगड़ जाएंगे। बोले भैया बेटे को पूछ लो जाएगा कि नहीं। बेटे को पूछे गिरिराज को, बोले 2 शर्त पर जा सकता हूँ, उनके भी इच्छा नहीं। बोले पहला शर्त चल करके नहीं, हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त अगर कहीं बीच में मेरे को रख लिया आप अपवित्र हो गए फिर हमें छू नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं, बड़े जोगी थे। अगस्त ऋषि ने उठाया हाथों में है, पुलस्त ऋषि ने उठाया हाथों में गिरिराज, उठा करके गिरिराज गोवर्धन को ले जा रहे थे। अभी जहां गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, ये गिरिराज आया कहां से? गोलोक वृंदावन से, राधा रानी की सेवा कृष्ण सेवा के लिए। ये कहां ले जा रहे? काशी फांसी देने के लिए। बोले हे प्रभु मेरे को ये कहां काशी फांसी देने ले जा रहे हैं? ये ब्रज का रसभूमि है और काशी क्या है? वो ब्रह्मादियों का स्थान है, भगवान को निराकार निरंजन मानने वाले है। मैं तो ये ब्रज में आपकी सेवा करना चाहता, प्रभु मेरे को अपना चरण स्थान दे दो। जब बांके बिहारी की प्रार्थना की इतने जोर से लघु संख्या लगी, उसने और रोक नहीं सके। और जब भूल गए हमने कितने क्या प्रतिज्ञा की, लघु संख्या के लिए बैठ के लघु संख्या खत्म नहीं हो, हैं खत्म नहीं हो, घंटे तक बैठे। उसके बाद में हाथ पैर धो करके जब गिरिराज उठाए और नहीं, आपका सारे संकल्प खत्म हो गए, प्रतिज्ञा आप तो एक उतार दिया, फिर अपवित्र एक घंटा तक लघु संख्या में बैठे, इसलिए और मैं नहीं जाऊंगा। फिर पुलस्त ऋषि अभिशाप दिए, बोले अभिशाप देता हूं तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बोले प्रभु ये अभिशाप मत दिया करो, मैं तो इसलिए रहना चाहता हूँ ठाकुर की सेवा के लिए। द्वापर युग में प्रभु आएंगे, सुंदर सुंदर मीठी मीठी लीला करेंगे, उनकी सेवा करने के लिए रहना चाहता हूँ। आने से पहले टुकड़े टुकड़े हो जाओ, पल पल में एक तीर जैसे अगर खीण हो जाऊं फिर तो सेवा कैसे कर पाऊंगा, मेरे को यही आशीर्वाद दो। जब तक प्रभु नहीं आते तब तक पूर्ण रूप में रहो, जब प्रभु चले जाएगी जो कुछ हो मैं तथास्तु। इसलिए कि ये 2 कथा आती है पुराण में, ये गिरिराज गोवर्धन कैसे आए। प्रश्न है ये गिरिराज गोवर्धन है कौन? कहते हैं कि 3 रूप बताया गया। एक रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक दिन कठोर तपस्या की भगवान बांके बिहारी राधा रानी को। जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को
बोले ब्रज में जन्म लेकर के सेवा करना चाहता हूँ। बोले किस रूप में सखा सखी? बोले कहाँ हमने इतने पुण्य की आप ब्रजधाम में सखा सखी बन सके? बोले पैर, बोले अगर वहाँ पत्थर जन्म हो जाए आप हमारा ऊपर में लीला करे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तथास्तु बोल दिए। इसलिए शंकर जी स्वयं जो नंदगाम है वो नंदगाम नहीं और नंदीश्वर महादेव जो पर्वत रूप में प्रकट हुए। बरसाना गए होंगे, वो कौन है? बरसाना। बोले ये ब्रह्माचल पर्वत है, वो स्वयं ब्रह्मा। बोले ये गिरिराज कौन है? ये साक्षात भगवान विष्णु। ये ब्रज में इन्होंने तीन पर्वत रूप में प्रकट हुए, ये एक कथा। बोले दूसरी कथा, कदी गिरिराज कौन है? बोले और कोई नहीं, ये कृष्ण स्वयं। एक स्वरूप में तो पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजा को ग्रहण की है, ये गिरिराज और कोई नहीं, कृष्ण। कहते इनका तीसरा स्वरूप राधा रानी, ये वेणु गीत में कहती है, बोले हंताय अद्रियवला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद। राधा रानी कहती है कृष्ण का सबसे बड़े भक्त सेवक ये गिरिराज गोवर्धन। क्यों? कृष्ण गैया वहीं पर चराए, वहीं पर पानी पीते हैं, वहीं पर फल फूल सब कुछ भगवान जो कुछ किया गिरिराज गोवर्धन ऊपर में किए है। इसलिए भगवान के सबसे बड़े ये सेवक श्री गिरिराज महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ, कहते कृष्ण ये गिरिराज पूजा क्यों करवाए? तब हमारे टीकाकरण उसका चार ही कारण बताते हैं। पहला कारण है उन्होंने इंद्र पूजा बंद करवाया। इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा, देवता का राजा। बोले भैया पूजा करवा तो सिगरी गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, अगर झोली फैलाना है ना जिसको तिसको पास में झोली मत फैलाओ, फैलाओ तो बांके बिहारी की चरण में फैलाओ, ये गिरिराज को पास में फैलाओ। इसलिए इनका नाम सर्व अभिष्ट, मतलब जो कुछ मांगो गिरिराज जी सब इच्छा को पूरी करते ही। इसलिए कहते पूजा करना तो श्री बांके बिहारी को पूजा करो। जगत में 33 करोड़ देवता है, कितने को मनाओगे? एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठेगा, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह खुला कर बैठ जाएगा। लेकिन कृष्ण ऐसे एक देवता है, कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की भक्ति करते हैं सबकी भक्ति हो जाती है। देखो आप लोग महाभारत देखे होंगे, कृष्ण विराट रूप दिखाया है कि नहीं? देखो कितना चीज आप समझ लो, भगवान जब विराट रूप दिखाया बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ। जिसको तुम शंकर कहते हो देखो ये शंकर मेरे में, जिसको तुम देवी कहते हो देखो वो देवी मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र कहते हो देखिए विश्व ब्रह्मांड मेरे में। वो एक उदाहरण देते हैं, मई सर्वविदम प्रक्तम सूत्र गणी बनाई, वो देखो मेरे तरफ में जैसे ये माला। कृष्ण उदाहरण देते हैं, अब क्या दिख रहा है? फूल ही फूल दिख रहा है, लेकिन जो फूल एक माला बना उसका अंदर में कौन है? एक धागा है। वो धागा है इसलिए एक ये माला बनी हुई। अगर धागा को तोड़ दो तो ये माला फिर बनेगी नहीं। कृष्ण कहते हैं सूत्र मणि गणाई गो, ये जो विश्व ब्रह्मांड है मेरे में ही ये विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ, मैं हूँ इसलिए ये विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तू सब छोड़कर के मेरे शरण में आ जा, बोले पाप नहीं लगेगा फिर हमें। भगवान दूसरे लाइन में कहते हैं अहम त्वम सर्व पापे मुक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, कोई चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले जितने सब विश्व ब्रह्मांड है और मैंने ही उनको एक एक सेवा में नियुक्त किया है। लक्ष्मी को मैंने लक्ष्मी बना दिया है, गणेश को सिद्धिदाता बना दिया, और जो माता देवी को कारागर का रखेत्री बना दिया, शंकर जी को शक्ति देने के लिए, ये देवता को मैंने एक एक पोस्टर में नियुक्त किया। जैसे मोदी है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसने किसको जल मंत्री, किसको वायु मंत्री, किसको अग्नि मंत्री, अलग 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 उसने मंत्री बनाया। अगर कोई मोदी को शरण में आ जाए तो, अगर किसको पता चला भैया ये मोदी का आदमी, फिर कोई पीछे नहीं पड़ेगा, नहीं तो साधारण व्यक्ति हो ना कोई पीछे पड़ेगा, वो पीछे पड़ेगा। उसी तरह जब कोई कृष्ण शरण में आ गया ना, अगर ये 33 करोड़ जो देवता है इनको पता चले जाए भैया कृष्ण के शरण में, वो अपने आप तुम्हारी अनुकूल बन जाएंगे, अपने आप अनुकूल तुम्हारी बन जाएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा, शनि पड़ जाएगी, नहीं तो राहु पड़ जाएगी, नहीं तो केतु पड़ जाएगी,
सब सब आपको पीछे पीछे पड़ जाएंगे सब गुरुदेव। लेकिन अगर उनको पता चले भैया बाकी बिहारी के शरण लेने वाले पीछे नहीं पड़ेगा, भले अपना नौकरी लेके जाएंगे, यही चीज वो समझो। इतनी बात आप लोगों को समझो, नहीं तो कितने खुश करोगे। आज इसको पूजो कल उसको पूजो, 33 करोड़ देवता है। दिन में अगर एक एक करोड़ पूजो तो कितना 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी, फिर कितने को पूजोगे हैं? इसलिए बोले जैसे पेड़ का जड़ में पानी दो पूरा पेड़ में पानी चली जाती है, जैसे मुंह में आहार दे दो सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। सम्मान सबको दो, इसको असम्मान नहीं करनी चाहिए, सबको सम्मान दो। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाला ये चीज को अच्छी तरह समझ लो है। जैसे गोपियां कहती है मन उद्धव मन ना भयो दस बीस, इसलिए कृष्ण इंद्र पूजा की पहला कारण है। दूसरा कारण बताया कृष्ण की इच्छा थी ये ब्रजवासियों को साथ में साथ साथ उत्सव करूं। तीसरा कारण है इंद्र का अभिमान था, मैं बारिश दे रहा हूँ इसलिए ब्रजवासी जिंदे हैं, नहीं तो सबके सब मर जाएंगे। भगवान ने कहे भैया जिनकी चरण की पादुका मैं स्वयं सर पर धारण करता हूँ, जिनकी झूठन मैं खाता हूँ, हाँ और तू कह रहे हो स्वर्ग का राजा तू बन गया, तुम पता नहीं ये ब्रजवासियों की कितनी महिमा तेरे को पता नहीं। कितना सुना रहा था ना, कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव की केली कुंज कोटी कोटी काशी है। इसलिए ब्रज साधारण नहीं, यहाँ का धूल में इतने शक्ति कितने इंद्र चंद्र ब्रह्मा को प्रकट कर देगा। अभी ब्रज की महिमा तेरे को पता नहीं, उसका अभिमान को ठाकुर जी दूर करना चाहते हैं। और सबसे जो श्रेष्ठ कारण है भगवान रास रचाएंगे। अभी रास में तो अकेले नहीं कर सकते हैं, जब तक ये गोपियां नहीं हो है इनके बगैर तो रास नहीं हो सकता। उदाहरण दिया जैसे कि हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है वो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोग को इकट्ठ करेगा और उनको साथ में खूब मारपीट करेगा, मारपीट करते करते सबको परास्त कर देगा। वो हीरोइन देखेगी बाबा रे बड़ा बलवान है बड़ा पहलवान, वो क्या होता है वो अपने आप उनको चरण में आकृष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे टीकाकर कहते हैं कृष्ण ब्रज का हीरो कौन है, कन्हैया है, और हीरोइन कौन बोले ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए कृष्ण उनको आकर्षण करने के लिए उन्हें दो लीला किए, बोले दो लीला क्या की, बोले एक तो उन्होंने कालियों को सर पर लिए थे, कालियों का 100 फण थे, 100 फण के ऊपर में प्रभु नृत्य करते हैं। इसलिए से सूरदास जी एक सुंदर भजन गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ पर पम 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 पद पद गत पम 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 पद नियो पर नाचना। गोपियां तो तन मन धन सब देवी, एक दूसरा क्या किया, गिरिराज उठाया, गिरिराज उठाया है, कितने बड़े गिरिराज था, बोले 7 पुरुष गिरिराज है। अब तो गिरिराज नीचे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, कितना दिन तक उठाया था, 7 दिन तक, कितने उम्र में, 7 साल में। हम कहते हैं ना अरे हमारे लिए कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो बाम हाथ में कर सकते, बोले बाम हाथ नहीं सबको कनिष्ठ अंगुल में कर सकते, कनिष्ठ अंगुल नहीं नख को ऊपर कृष्ण उठाया है। इसलिए कछ माखन का बल बढ़ो कछ गोपी ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से श्री गिरिराज लिए उठाए। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय।
और गोपियां तो देख देख कर बोले बाबा रे हमने बड़े बड़े बहादुर देखे हैं, लेकिन 7 साल उम्र में इतने बड़े गिरिराज पास गोपियां लुट गई। फिर रासलीला प्रभु हो गया ठाकुर जी के, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ कारण है। एक दिन मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी, कन्हैया बोले मैया क्या मेरे जन्म तिथि, बोले नहीं लाला, बोले दाऊ भैया को, बोले नहीं, बोले किसकी, बोले बाबा को पूछो। जब नंद बाबा को पूछो बोले लाला हम इंद्र पूजा करेंगे, बोले बाबा क्यों, बोले स्वर्ग का राजा है, इनके अधीन में मेघ है और ये मेघ बारिश देता है, फिर उसमें घास उगते गैया घास खाते, फिर दूध से मक्खन जो कुछ होता है रावणी दही वो दूध से होता है, इसलिए हम श्री इंद्र को पूजा करेंगे। बोले पिताजी ये इंद्र की अपना गांठ में कुछ नहीं है, इनकी गांठ में कुछ नहीं, ये इनको प्रार्थना करो ना, ये फिर प्रार्थना करते ठाकुर जी को, ठाकुर जी के आदेश हो फिर इंद्र कुछ दे सकता, नहीं तो जितने 33 करोड़ देवता है ना इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जब तक ये बाकी बिहारी संसार नहीं करते ना ये कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं गीता में आप पढ़ करके देखो, भगवान स्वयं कहते हैं भैया फिर इधर उधर हम क्यों भटके, मेन आदमी को पकड़ लो ना, फिर इधर उधर भटक भटक रहे क्यों, मेन व्यक्ति को पकड़ लो। इतने में बोले पिताजी जो गिरिराज गोवर्धन ये ब्रज का साक्षात देवता है, मेघाग्र इसमें टकराता है, बारिश होता है, फल फूल गिरिराज से मिलता है, ये पहाड़ नहीं पिताजी ये ब्रज का हमारे देवता है, इनकी कृपा से हम गिरिराज तलट में निवास करते हैं। बोले पिताजी ये बताओ आप कब से पूजा कर रहे हैं, बोले जब से होश आया, बोले गिरिराज को अब इंद्र को जो पूजा करवाते हैं अब खाते हुए देखे, बोले लाला नहीं, बोला अगर आप गिरिराज को पूजा करोगे ना गिरिराज स्वयं प्रकट होंगे, सबको आशीर्वाद देंगे जो कुछ मांगोगे, इसलिए पिताजी आप गिरिराज की सेवा करो इनकी भोग लगाओ। बोले लाला इन्हीं आंखों से गिरिराज दर्शन होगा, बोले हाँ पिताजी, बोले फिर तो कल हम गिरिराज की पूजा करेंगे, ढिंडरा बिटवा दो ब्रज में, कल इंद्र पूजा नहीं कल से गिरिराज की गोवर्धन की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अभी जो आधा किलो सूजी के हलवा बना रहे थे, बोले भैया गिरिराज के ताई हम तो 1 किलो सूजी के हलवा बनवाएंगे, जो 1 किलो की पूरी बोले हम 2 किलो की पूरी बनवाएंगे, जो जितना जितना बना रहे थे ना डबल डबल बना, बोले गिरिराज दर्शन मिलेगा और एक बार इनकी पूजा करो हमारे सारे दुख दरिद्र खत्म हो जाएगी। चार तरह का चावल लाए, पता नहीं आप लोग कितने चावल लाए, एक तो फीकी चावल, एक नमकीन, एक मीठी और एक मटर चावल, मटर पनीर मिला करके चार तरह का चावल, 2 तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी, राड़ कढ़ी बगैर पकौड़े की, सुहागिनी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाते हो, 2 तरह के चिरमा, एक हंसना एक रोना, हंसना मतलब पतले में रखते जो खिल जाए, रोना मतलब जिसमें घी टपकता है, 10 तरह का तो परांठा बनवाए, गोभी की आलू की बथुआ की हाँ पालक की तरह तरह का 10 तरह का परांठा बनाए। हमारा एक परांठा था वो आए नहीं है, कल आए थे, वो तो कितना 40 तरह का परांठा बनाते हैं, ठीक इसकोनों के पास में एक मंदिर है जहाँ वो 40 तरह का परांठा बनवाते हैं, इसलिए इतने इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट, कूट मतलब होता है पर्वत, अन्न मतलब अन्न दाल चावल की पर्वत, रोटी की पर्वत, समोसा की पर्वत, 365 गांव से लाए हैं, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव ब्रज में 365 गांव, इतने लाए खाना पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं, अभिषेक करा के जितने सब खाना लाए थे ना सबको पर तुलसी पत्ता रख दिए, हैं तुलसी पत्ता रख करके वो कहाँ गया, तुम इसलिए तुलसी पत्ता रख करके भोग लगा, इसलिए उन्होंने तुलसी पत्ता रख दिए, तुलसी पत्ता रख करके उन्होंने गिरिराज को आसन पात्य आचमन पुष्पांजलि दे करके जब उन्होंने गिरिराज को आह्वान की, इतने में श्री गिरिराज गोवर्धन विशाल रूप लेकर प्रकट हुए, स्वयं गिरिराज को सबके सब दर्शन कर रहे थे, गिरिराज हाथ ऐसे ऐसे बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे, हम मिनट में उन्होंने सब कुछ खा लिए, बोले आनो रे और लाओ, ब्रजवासी बोले प्रभु आप इसी में ही आप संतुष्ट हो जाओ, गिरिराज गोवर्धन संतुष्ट हो गए। हाँ देखो मेरे तरफ में गिरिराज गोवर्धन बताए जिसकी मन में जो कुछ इच्छा है सबके सब मेरे से मांगे, हाँ आप लोग भी देखो ये गिरिराज है और ये तो गिरिराज कभी आए, ये गिरिराज गोवर्धन है, आपके मन में भी जिसको मन में जो इच्छा है ना आप गिरिराज से मांग लो,
गिरिराज की सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। ब्लेसिंग गिरिराज गोवर्धन की। आप देखो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो गिरिराज सब कुछ देते हैं, ये जो संसार की वस्तु तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन एक सबसे बढ़िया चीज देते हैं क्या है, बोले भगवान की भक्ति। जिस भक्ति को द्वारा हम ये जन्म मृत्यु का चक्कर से निकल करके ठाकुर के पास में जा सकते हैं। जब कोई इनको भक्ति में आ गए है ना, ये भक्ति तो देते हैं लेकिन विचार करके देते हैं। बोले विचार क्यों करते हैं, कहते हैं दुनियादारी वस्तु को हम दे करके छूट जाते हैं, लेकिन जब प्रभु भक्ति देते हैं ना, उनका वशीभूत होना पड़ता है प्रभु को। इसलिए सहज में ये भक्ति देना प्रभु नहीं चाहते, इसलिए इनसे प्रभु की भक्ति की प्रार्थना करो। जैसे इसी जीवन में भी सुखी रहे, फिर तो जन्म जन्मांतर के ठाकुर के पास में भी है। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की बस उसका दुल्हनी बन करके चिरकाल के लिए उनकी चरण की सेवा बननी चाहिए। ठीक है, इतने में कृष्ण ने कहा सखाओ चकाचक भजन करो, चलो हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। भगवान स्वयं गिरिराज परिक्रमा लगाए, ब्रजवासियों ने करके परिक्रमा बड़ा सुंदर वर्णना किया है। पहले कौन चल रहे थे, जितने संत ब्राह्मण चल रहे थे, उनको पीछे जितने उनको गैया थी सारे गैया परिक्रमा लगा रहे थे, पर उसको पीछे ब्रजवासी और सबसे पीछे गोपियां और राधा रानी, सबसे पीछे श्री राधा रानी चल रही थी। जब राधा रानी चल रही थी परिक्रमा करते करते, अभी राधा जी के मन में इच्छा हो रही है, श्याम सुंदर अगर मेरे प्राण प्यारे हैं, अगर मेरे मन को समझते हैं। राधा रानी पीछे चल रही थी, अगर क्या कृष्ण आकर भी मेरे को थोड़ा स्पर्श करेंगे, अभी राधा रानी ये सोच रही थी। अभी कृष्ण बीच में और राधा रानी सबसे पीछे, अभी कृष्ण कैसे राधा रानी को स्पर्श करेंगे। इतने में कृष्ण ने एक बछड़े को क्या किया, पीछे करके उसका मुंह उसका पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया, पूछ को ऐंठ दिया तो इतने में बछड़े एकदम फुदकते हुए एकदम पीछे पहुंच गया। कृष्ण उसको बहाना बना करके पीछे पहुंचे और राधा रानी को स्पर्श कर लिया। राधा रानी का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, राधा जी के हृदय कृष्ण मेरे भावना को समझ गए, फिर चल रहे थे। इतने में फिर राधा जी की इच्छा हुई, क्या कृष्ण मेरे को थोड़ा दर्शन भी देंगे। कृष्ण समझ गए राधा जी की मन में इच्छा, दर्शन दे कैसे, कृष्ण बीच में राधा रानी पीछे। कृष्ण ने क्या किया, जो गैया चरण का लकुटी होता है ना, वो लकुटी को उन्होंने ऊपर में फेंकी, फेंक करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, राधा रानी का दो आंख और कृष्ण का दो आंख मिल करके एक हो गया। ऐसे ही सबके सब ब्रजवासी, ये पूरा का पूरा कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। अभी हमारे प्रभु जी आपको भजन सुनाएंगे, कैसे ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रभु जी आपको भजन सुनाएंगे। हाँ, इसके बाद में आरती प्रसाद लेकर सब घर जाना। हाँ देखो, कल है कथा का विश्राम है।